गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, इसके पहले आपको जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में बता दिया गया था। अब जो है उसी टॉपिक का जो है सेकंड पार्ट हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहले सेकंड पार्ट में जीवधारियों के लक्षण, जिसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीवधारी होते हैं इनके निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जीवधारियों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला आप बता सकते हैं वृद्धि, जनन, उपापचय, गति, संवेदनशीलता व अनुकूलनशीलता, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जीवद्रव्य, कोश की संरचना, जीवन चक्र। तो आप जो है जीवधारियों के लक्षण बता सकते हैं। पहला पॉइंट वृद्धि, दूसरा जनन, तीसरा उपापचय, चौथा गति, पांचवा संवेदनशीलता व अनुकूलनशीलता, छठा श्वसन, सातवां पोषण, आठवां उत्सर्जन, नौवां जीवद्रव्य, दसवां कोशिका संरचना और लास्ट आप बता सकते हैं जीवन चक्र। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोग यह जानेंगे बेटा, जो वृद्धि है इसे इंग्लिश में ग्रोथ ग्रोथ के नाम से जानते हैं। और सभी लोग यह जानते हो कि जीवधारियों के शरीर में जो वृद्धि होती है, आप बता सकते हैं जीवों की संख्या में वृद्धि या उसके भार में जो वृद्धि होती है, जो विकास होता है, उसी को आप बता सकते हैं बेटा वृद्धि। तो कहने का मतलब जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होता है, सजीव में क्या होता है, वृद्धि होता है, लेकिन निर्जीव जो होते हैं इसमें वृद्धि नहीं होती है। निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं, लेकिन आप अंतर बता सकते हैं। जो सजीव होते हैं उसमें बेटा बताएंगे आंतरिक वृद्धि होती है, क्या होती है, आंतरिक वृद्धि होती है, लेकिन जो निर्जीव होते हैं उसमें बाह्य वृद्धि होती है। उस बाह्य वृद्धि को हम आप लोग कह सकते हैं अभिवृद्धि कह सकते हैं। लेकिन जो डेड मृत जीव होते हैं इनमें क्या होता है, वृद्धि नहीं होती है। और ये भी हम आप जानते हैं कि जंतु या जंतुओं में जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक होती है, इसके बाद उनकी वृद्धि या क्या होती है बेटा, रुक जाती है। लेकिन जो पौधे होते हैं इनमें वृद्धि जीवन पर्यंत होता रहता है, पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होता रहता है। इसलिए आप यह बता सकते हैं कि पहला पॉइंट जीवधारियों के लक्षण में बेटा क्या, वृद्धि, क्या बताएंगे, वृद्धि। तो कहने का मतलब सभी जीव वृद्धि करते हैं, और जब सभी जीव वृद्धि करते हैं तो सजीव में क्या होता है, आंतरिक वृद्धि होती है, निर्जीव में क्या होता है, बाह्य वृद्धि होती है, और जो डेड होते हैं, जो मृत जीव होते हैं, उसमें वृद्धि क्या होती है, नहीं होती है। और जंतुओं में क्या होती है, वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है, लेकिन पौधों में वृद्धि क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो आप यहाँ बता सकते हैं किसके बारे में बेटा, वृद्धि। इसके बाद आप देखेंगे इसी पॉइंट में, इसी टॉपिक में सेकंड पॉइंट है जनन, क्या बताएंगे बेटा, जनन बताएंगे, क्या बताएंगे, जनन। तो देखिए, जनन भी जीवों का, जनन भी जीवों का सबसे प्रमुख लक्षण होता है। इसलिए आप यह बता सकते हो जनन जीव, इसे आप कहते हैं रिप्रोडक्शन, जीवधारियों का सबसे प्रमुख लक्षण जनन भी होता है।
तो जनन को आप बता सकते हैं क्या होता है, रिप्रोडक्शन, इसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे, इसी को आप कह सकते हैं बेटा जनन। जीवधारियों में जब क्या होता है, जनन होता है, तो जीव क्या करते हैं, अपने समान संतानों उत्पत्ति की क्षमता रखते हैं। तो कहने का मतलब चाहे जो भी सजीव हो, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, वे अपने समान ही क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि जनन जीवधारियों का क्या है, प्रमुख अभिलक्षण है। और जनन की डिफिनेशन भी आप बता सकते हैं, यह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतानों उत्पत्ति की क्षमता रखते हैं, उसे आप क्या कह सकते हो अपना जनन कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जनन। और एक चीज शॉर्ट में आप बता सकते हो, जनन जीवधारियों की संख्या बढ़ाने का मात्र एक साधन है। अगर जीवधारियों में जनन नहीं होगा तो संख्या में वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए आप यह बता सकते हो, जनन जीवधारियों की संख्या बढ़ाने का मात्र एक साधन है। इसलिए दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, जीवधारियों के लक्षण में जनन, जीवधारियों के जो लक्षण हैं, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं अपना जनन। और जनन आप बता सकते हैं यह तीन प्रकार का होता है। एक आप बता सकते हैं वर्धी जनन, जिसे आप बता कह सकते हो विजेटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा बता सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप अलैंगिक जनन कहते हो। तीसरा आप बता सकते हो बेटा लैंगिक जनन, जिसे आप कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें पेरेंट्स का होना मस्ट है। पेरेंट्स का मतलब समझ रहे हैं माता और पिता, मतलब मेल और फीमेल का होना मस्ट है। अगर मेल है फीमेल नहीं है तो जनन नहीं होगा या जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स का होना मस्ट है, मतलब कि माता और पिता अर्थात मेल और फीमेल का होना मस्ट है। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में पेरेंट्स का होना मस्ट नहीं है, या तो मेल है या तो फीमेल है, इनके द्वारा क्या होता है, नए संतानोत्पत्ति हो सकती है। और वह जो संतानोत्पत्ति होगी, आप बता सकते हैं जैसे विखंडन द्वारा हो सकता है, विभाजन द्वारा हो सकता है, द्विविखंडन द्वारा हो सकता है, मुकुलन द्वारा हो सकता है, और पुनर्जनन द्वारा हो सकता है। तो यह आप बता सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद आपको बताया गया विजेटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे आप वर्धी जनन कह रहे हो। तो वर्धी जनन ये जर्ली आप बता सकते हैं पौधों में होता है। जब पौधों में होता है तो आप बता सकते हैं जड़ों द्वारा भी होगा, तनों द्वारा भी होगा और पत्तियों द्वारा होगा। जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा जो जनन होता है आप बता सकते हैं, जो पौधे होते हैं उसका नाम बेटा बताएंगे ब्रायोफाइलम, ब्रायोफिलम। तो जो ब्रायोफाइलम होते हैं आप बता सकते हैं इसमें जो जन्म होगा वो आप बताएंगे बेटा पत्तियों द्वारा होगा। तनों द्वारा आप बता सकते हैं किन पौधों में जनन होता है, जैसे आप आलू बता सकते हो, गन्ना बता सकते हो, गुड़हल या गुलाब बता सकते हो। और इसके बाद आप बता सकते हैं बेटा जड़ों द्वारा, जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं जैसे अमरूद हो गया, इन सब में क्या होता है जनन, आप बताएंगे बेटा जड़ों द्वारा होता है। तो इसलिए आप जीवधारियों के प्रमुख लक्षण में दूसरा पॉइंट बता सकते हैं क्या है बेटा, जनन। क्या है, जनन बता सकते हैं। ठीक, तो आइए इसके बाद हम आप लोग देखते हैं उपापचय। क्या कह सकते हैं बेटा, उपापचय, इसे आप इंग्लिश क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या कहेंगे बेटा इसको, मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो देखिए बेटा सभी जीवों का निर्माण आप बता सकते हैं अनेक प्रकार के रसायनों से होता है। तो कहने का मतलब जितने भी जीव हैं इन सब का निर्माण किसी न किसी
छोटे बड़े रसायनों से होता है। अगर रसायन नहीं होंगे तो जीवधारियों का निर्माण भी नहीं होगा। तो आप यहां बता सकते हैं किसके बारे में बेटा, उपापचय के बारे में। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट बताएंगे गति। क्या बताएंगे बेटा, गति, जिसे आप कह सकते हैं मूवमेंट। इसको क्या कह सकते हैं, मूवमेंट। ठीक, देखिए यहां यह बताएंगे चौथा पॉइंट जो जीवधारियों के लक्षण है, मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट मीन्स आप बता सकते हैं गति, और जो लोकोमोशन होता है इसका मतलब आप बता सकते हैं गमन। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या होता है बेटा, अंतर है। मूवमेंट का मतलब आप लोग ये बता सकते हो, जैसे जीवधारी किसी एक स्थान पर स्थिर रह करके जब वह अपने अंगों को हिलाता डुलाता है तो वह आप बता सकते हैं क्या हो रहा है बेटा, गति। मतलब जीवधारियों में क्या हो रही है बेटा, गति हो रही है। एक स्थान पर स्थिर होकर के शरीर के किसी भी अंग को जब वह हिलाता डुलाता रहता है तो उसे आप क्या कह सकते हैं बेटा, गति कह सकते हैं। जैसे डांसिंग करना, डांसिंग करना आप ये बता सकते हैं वह क्या हो गया, गति हो गया। ठीक, इसी प्रकार आप देख सकते हैं हमारे आपके हार्ट में लगातार क्या होता है, लबडब की आवाज आती है या हृदय स्पंदन होता रहता है। और जो गमन आप बताएंगे बेटा, गमन का मतलब आप बता सकते हैं जब जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसे आप कह सकते हैं लोकोमोशन या गमन, लोकोमोशन या गमन कह सकते हैं। या बताएंगे किसके बारे में बेटा, गति के बारे में। किसके बारे में, गति के बारे में बताएंगे। अगला पॉइंट आप बताएंगे संवेदनशीलता व अनुकूलनशीलता। आप सभी लोग अपने आसपास के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता व अनुकूलनशीलता सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। कहने का मतलब आप अपने जैविक पर्यावरण के चारों तरफ देखते होंगे कि जितने भी सजीव होते हैं सब में क्या होता है, संवेदनशीलता होती है अर्थात अनुकूलनशीलता होती है। तो जैसा मौसम रहता है जीवधारी क्या करते हैं उसी मौसम में अपने आप को करते हैं एडाप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं और उसी में अपनी जैविक प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, सुचारू रूप से संचालित करते हैं। और जीव क्या करता है, विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का भी अनुभव करता है, विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का अनुभव करता है। जैसे आप देखे होंगे छुई मुई का पौधा है, उसको आप करते जब टच कर देते हो तो मुरझा जाता है। इसलिए आप यहाँ बताएंगे जीवधारियों में क्या होता है बेटा, संवेदनशीलता या उद्दीपनशीलता का आभास होता है। और जीवधारी क्या करते हैं, अपने आप को जैविक पर्यावरण में करते हैं ढालने का भी प्रयास करते हैं। तो जिसे आप बता सकते हैं जीवधारियों के लक्षण में पांचवा पॉइंट संवेदनशीलता व अनुकूलनशीलता। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है श्वसन। क्या बताएंगे बेटा, श्वसन। श्वसन बेटा बताएंगे एक प्रकार की अपचयी क्रिया है। एक प्रकार की क्या है, अपचयी क्रिया है। इस अपचयी क्रिया में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीकरण होता है तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए हम आप लोग यहाँ बता सकते हैं कि सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं और सांस लेने में भी क्या होती है बेटा, ऊर्जा मुक्त होती है। और ये बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन और वसा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है जीवधारियों के शरीर के अंदर। इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं श्वसन एक प्रकार की अपचयी क्रिया है। कैसी क्रिया है बेटा, अपचयी क्रिया है। तो आप यहाँ श्वसन की डिफिनेशन बता सकते हैं, यह एक प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन को क्या करता है, अंदर लेता है
और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालता है। इस प्रकार ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को आप लोग क्या कह सकते हो बेटा, श्वसन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? श्वसन कह सकते हो। तो इसके अलावा भी एक छोटी सी डिफिनीशन आप बता सकते हैं, श्वसन एक प्रकार की एंजाइमेटिक क्रिया है या एंजाइमों की उपस्थिति में होने वाली एक ऑक्सीकरण क्रिया है, और इस ऑक्सीकरण क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह सजीवों का क्या बता सकते हैं बेटा, एक लक्षण श्वसन भी है। इसके बाद आप बताएंगे अगला पॉइंट, पोषण। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो भोजन को लेना, पोषण को, पोषक तत्वों को लेना ही क्या कहलाता है बेटा, पोषण कहलाता है। तो आप बता सकते हैं समस्त जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन से जीव को क्या मिलती है बेटा, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, और जीव द्रव्य का निर्माण होता है। और इससे क्या होता है, जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ग्लूकोज का भी निर्माण होता है, और जो ग्लूकोज होता है उससे क्या मिलती है, जीव को ऊर्जा मिलती है। तो आप यहाँ बता सकते हैं जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारे आपके शरीर के टूटे फूटे अंगों या उत्कों की मरम्मत करते हैं, टूटे फूटे उत्कों की मरम्मत करते हैं और अंगों की मरम्मत करते हैं। इसलिए आप बता सकते हैं बेटा, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं बेटा, पोषण कह सकते हैं। और पोषण जो होता है जीवधारियों का क्या है, प्रमुख लक्षण है। इसके बाद आप अगला पॉइंट बता सकते हैं बेटा, उत्सर्जन। क्या बताएंगे बेटा? उत्सर्जन। उत्सर्जन में आप बता सकते हैं जितने भी सजीव होते हैं, सजीवों में क्या होता है, जब उपापचयी क्रियाएं चलती हैं उन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे आपके शरीर में या जीवधारियों के शरीर में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, हानिकारक पदार्थ बनते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है, शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए आप बता सकते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं बेटा, उत्सर्जन कह सकते हैं। और उत्सर्जन में आप बता सकते हैं जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं इन्हीं को क्या किया जाता है, आउटसाइड में थ्रो किया जाता है। आउटसाइड में क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। और जब उत्सर्जी पदार्थों को या वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, आउटसाइड में थ्रो करते हैं, बाहर करते हैं, तो किसी न किसी विशेष अंगों द्वारा किया जाता है, किसी न किसी विशेष अंगों द्वारा जो है उत्सर्जी पदार्थों को जो है बाहर निकाला जाता है। तो जीवधारियों के लक्षण में आप आठवां पॉइंट बता सकते हैं बेटा, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में आप बता सकते हैं जितने भी सजीव होते हैं वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड में क्या करते हैं बेटा, थ्रो करते हैं, बाहर निकालते हैं। अगर उनको बाहर नहीं निकालेंगे तो वे हानिकारक पदार्थ के रूप में या विषैले पदार्थ के रूप में हमारे आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे, और जीवधारियों की क्या हो सकती है बेटा, मृत्यु हो सकती है। यह जीवधारियों के लक्षण में आठवां पॉइंट बता सकते हैं बेटा, उत्सर्जन के बारे में। ठीक, इसके बाद जीव द्रव्य भी आप क्लास नाइन्थ में जो है बेटा पढ़ा होगा, जीव द्रव्य किसे कहते हैं, जीव द्रव्य किसे कहते हैं। सजीवों के अंदर पाए जाने वाले जीवित तरल पदार्थ को क्या कह सकते हैं बेटा, जीव द्रव्य कह सकते हैं। सजीवों में पाए जाने वाले जीवित तरल पदार्थ को क्या कह सकते हैं बेटा, जीव द्रव्य कहते हैं। और जो जीव द्रव्य होता है यह जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य क्या है बेटा, जीवन का भौतिक आधार, ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जिसे आप कह सकते हो। जीव द्रव्य जो होता है जीवधारियों का क्या है बेटा, एक प्रमुख लक्षण है। और जीव द्रव्य अगर जीवधारियों में नहीं है तो इसका मतलब जीवन नहीं है। इसलिए हक्सले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीव द्रव्य को कहा यह जीवन का क्या है बेटा, भौतिक आधार है। अगला पॉइंट्स, कोशिका संरचना। क्या बताएंगे बेटा, कोशिका संरचना। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका
जीवधारियों की क्या होती हैं, संरचनात्मक इकाई होती है, चाहे वह जीव एक कोश की हो चाहे बहु कोश की हो, सभी जीवों का जो शरीर होता है वह छोटी छोटी कोशिकाओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। इसलिए आप यहाँ यह कह सकते हो कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आधारभूत आनुवंशिक इकाई हैं। अब इन आनुवंशिक इकाई में आप बता सकते हैं कोशिका संरचना, जो कोशिका संरचना होती है आप यहाँ बता सकते हैं, ये सजीव होते हैं या जंतु होते हैं उनके ऊपर क्या होती है कोशिका कला होती है, और जो पौधे होते हैं उन पर आप उनके शरीर के बाहरी जो आवरण होती है वह क्या होती है कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति और कोशिका कला, इसे आप सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल के नाम से जानते हो। जो सेल मेम्ब्रेन होता है यह जंतुओं का बाह्य आवरण होता है, और जो सेल वाल होता है पौधों का क्या होता है बाह्य आवरण होता है। इसलिए आप यह बता सकते हैं बेटा कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है। अगला आप देखेंगे बेटा जीवन चक्र, क्या पढ़ेंगे बेटा जीवन चक्र। तो जीवन चक्र में आप ये बता सकते हैं सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब यह है सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। तो इसमें यह बताएंगे कि जीव जन्म लेगा, जन्म लेता है तो एक निश्चित अवधि के बाद क्या होती है उसके ऊपर मृत्यु हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होता है जीव जन्म लेता है। तो इस प्रकार जीव जन्म भी लेता है, इसके बाद वह मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। तो यह बता सकते हैं जीवधारियों के प्रमुख लक्षण। इसके बाद आप देखेंगे कुछ इसमें टर्म हैं जो एक एक नंबर में जो है क्वेश्चन कंपटीशन में बेटा पूछे जाते हैं, और आप नोट्स बनाते चलिए और लिखते चलिए, याद करते भी रहिए और उसका रिवीजन भी करते रहिए, तभी आपको बेटा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं एरिस्टोल, जिसे आप अरस्तु कहते हो, अरस्तु को आप बता सकते फादर ऑफ, ठीक, फादर ऑफ साइंस बायोलॉजी एंड जूलॉजी, बायोलॉजी एंड जूलॉजी बता सकते हैं। इसके बाद थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी। इसके बाद आर मिश्रा, जिसे आप रामदेव मिश्रा बोलते हो, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अगला आप बता सकते हैं एस सेंटापाओ, फादर ऑफ इंडियन सिस्टमेटिक बॉटनी, जिसे आप बता सकते हो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कह सकते हो। इसके बाद आप बता सकते हैं बीरबल सहनी, आप बता सकते फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी। तो यह आप बता सकते हैं बेटा चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड्स में जीवधारियों के लक्षण और कुछ वैज्ञानिकों के नाम। यह बेटा आप जो है वीडियो देखते समय रफ और कलम लेकर के बैठ जाइएगा, लिखते चलिएगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा, जिससे विद्यालय खुलने पर जब भी आपसे जो है क्वेश्चन पुटअप किया जाए या पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकें। धन्यवाद।